Welcome back. और आज की ये वीडियो है गूगल सर्च के कुछ ट्रिक्स के बारे में, गूगल के कुछ फीचर्स के बारे में। तो होता क्या है कि हर एक मिनट में आपको पता है कि एक नया वेबसाइट बनता है जो गूगल में रजिस्टर्ड होते हैं और गूगल सर्च में मिलियंस ऑफ साइट्स आते हैं। अभी ऐसे कभी कभी हो सकता है कि आपको एग्जैक्टली जो चीज चाहिए गूगल सर्च से वो आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि इतना वॉल्यूम है वहां पे। गूगल में ऐसे बहुत सारे फीचर्स है जिसमें आपको जो चाहिए वो एग्जैक्टली उसी हिसाब से आपको मिल सकता है। तो आज ये वीडियो उसी बारे में है, ताकि आपको मैं बता सकूं वो फीचर्स आप कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे आपको एग्जैक्टली वही चीज मिल सके जो आपको चाहिए। तो आगे देखते रहिए वीडियो को, और अभी के लिए हम लोग जाएंगे लैपटॉप में आपको वो फीचर्स दिखाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो फर्स्ट जो ट्रिक है वो है रिलेटेड वेबसाइट्स के बारे में। तो सोचिए आपको एक साइट पता है और उसी टाइप के आप दूसरे और भी साइट देखना चाहते हैं, तो तब आप ये रिलेटेड कीवर्ड यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सर्च करना होगा रिलेटेड कोलन, सोचिए मेक माई ट्रिप डॉट कॉम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेक माई ट्रिप एक ट्रैवल होटल एंड फ्लाइट बुकिंग साइट है। तो वैसे ही यहाँ पे और भी ट्रैवल एंड ट्रैवल होटल बुकिंग फ्लाइट बुकिंग साइट्स देख सकते हैं, जैसे कि yatra.com, क्लियर ट्रिप, गोवा इबीबो, स्पाइस जेट। दूसरा जो ट्रिक है वो है एग्जैक्ट फ्रेज को मैच करना। तो उसके लिए सोचिए आपको एक अच्छे कुछ कोट्स ढूंढने या फिर आपको कुछ गाने का लिरिक्स ढूंढना है, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, इसी कोट्स से आपको कुछ ढूंढना है। तो इसके लिए आपको कोट्स में आपका फ्रेज लिखना होगा मे गॉड। तो आप यहाँ पे देख सकते हर एक जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, सो एग्जैक्ट फ्रेज मैच होगा ही यहाँ पे हर एक बार। तो सोचिए अगर आपको एग्जैक्ट फ्रेज याद नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, स्टार मार्क दे के बाकी लिखने से फिर और भी रिजल्ट्स आपको दिख जाएंगे, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड बी विथ यू, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स आपको दिख जाएंगे। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है फाइल टाइप को लेके। सोचिए आप टिनटिन के कॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं और वो पीडीएफ फॉर्मेट में चाहते हैं, तो मैं लिखूंगा अगर टिनटिन फाइल टाइप कोलन पीडीएफ। याद रखिएगा कोई स्पेस नहीं है इन दोनों के बीच में, फाइल टाइप और फाइल टाइप कॉलन पीडीएफ, कोई स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जो रिजल्ट आया सभी पीडीएफ फॉर्मेट में आया है, या फिर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चाहिए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाइल टाइप कॉलन पीपीटी। देखिए यहाँ पे जो सर्च रिजल्ट आया है सभी पीपीटी के लिए आया है, तो ये भी एक बहुत यूजफुल टेक्निक है। आप प्लस और माइनस साइन यूज करके आपके सर्च क्राइटेरिया को और भी फिल्टर आउट कर सकते हैं, जैसे कि अगर एप्पल बोल के हम सर्च करें तो एप्पल बोल के सर्च करने से हमेशा ये एप्पल कंपनी को ही फर्स्ट प्रेफरेंस देता है, लेकिन अगर आपको एप्पल फ्रूट के बारे में जानना हो तो आप लिख सकते प्लस फ्रूट। तो उसमें क्या होता है कि एप्पल कंपनी छोड़ के एप्पल फ्रूट के ऊपर पूरा सर्च रिजल्ट आपको दिखेगा। ऐसा ही सिमिलर आप माइनस में भी यूज कर सकते, जैसे कि जैगुअर। तो जैगुअर पता ही है आपको, बहुत फेमस एक कार कंपनी है, लेकिन अगर आपको जैगुअर कार नहीं चाहिए तो आप कर सकते जैगुअर माइनस कार।
तो इसमें आपको आप देखिए कार का जो रिजल्ट्स था वो फिल्टर आउट हो चुका है, वो और नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट विद नियर बाई कीवर्ड्स, तो गूगल को पता होता है कि आपका लोकेशन यहाँ पे, आप सोचिए आपको गाड़ी सर्विस करना है, आपका कार सर्विस करना है या फिर आपका बाइक सर्विस करना है, तो हम सर्च कर सकते हैं बाइक सर्विस तो नियर बाई कीवर्ड यूज करके आपको गूगल मैप्स के ऊपर जो जो आपके आसपास का सर्विस सेंटर है वो दिख जाएगा। नेक्स्ट है कैशे साइट को लेके, तो अगर आपको बहुत पुराना कुछ आर्टिकल चाहिए जो अभी आपको नहीं मिल रहे या फिर वो वेबसाइट अभी सर्वर डाउन है, तो गूगल हर एक पेज से कैशे के रख देता है। तो इसके लिए जैसे हम लोग कुछ सर्च करेंगे बेस्ट बाइक इन इंडिया, सोचिए ज़िगविल्स है, ज़िगविल्स अभी करेंटली आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, उनका कोई काम चल रहा है वेबसाइट के ऊपर या फिर वो साइट टेम्पोरली डाउन है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं अभी के लिए कैसे में जो साइट है वो आप देख सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट ओनली वर्जन में भी देख सकते हैं, या अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो आप ऐसे में देख सकते हैं और इसमें आपको जल्दी लोड हो जाएगा कंटेंट। अब जो नेक्स्ट बात करना है वो है साइट सर्च के बारे में, जैसे आपको एक आर्टिकल चाहिए, वो आर्टिकल आपको किसी एक पर्टिकुलर साइट से ही चाहिए, जैसे कि फिर से हम सर्च करते टॉप बाइक्स इन इंडिया साइट yahoo.com, तो याहू में टॉप बाइक्स इन इंडिया को लेके जो जो आर्टिकल पोस्ट हुआ है वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। और अगर आपको एग्जैक्ट साइट भी पता नहीं है, जैसे कि अगर आपको अपना अपने लिए नया लाइसेंस बनाना है और आपको इसके लिए कौन से गवर्नमेंट साइट विजिट करना है आपको पता नहीं है, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं बाइक लाइसेंस साइट colon.gov.in, तो ये इंडिया गवर्नमेंट के जो लाइसेंस बाइक लाइसेंस बनाने के साइट है वो सभी यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एग्जैक्ट आपको जो चाहिए वो साइट मिलने के लिए। तो नेक्स्ट जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है कस्टम डेट रेंज से सर्च करना, जैसे कि 2003 में क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेके क्या क्या पोस्ट था, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पहले सर्च करना होगा आपको जो चाहिए और फिर यहाँ पे टूल्स में आके आप यहाँ पे और एनी टाइम के ड्रॉप डाउन से कस्टम डेट रेंज में जाना है और यहाँ पे आपको कस्टम डेट रेंज देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जो आर्टिकल्स है उनका डेट है 23rd मार्च 2003, July 3, 2003। नेक्स्ट है एक सर्च टर्म आपको एग्जैक्टली इन URL, एग्जैक्टली इन टाइटल ऐसे में चाहिए, तो आप कैसे करेंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इन टाइटल colon अभी जो भी आपका सर्च टर्म हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एग्जैक्टली ये वर्ड्स इन टाइटल में है टॉप प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, तो एग्जैक्टली उस हिसाब से आपको रिजल्ट दिखाएंगे यहाँ पे, एग्जैक्टली ये सभी कीवर्ड्स टाइटल में चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल इन टाइटल। तो देखिए फर्स्ट वाला जो था जिसमें विजिट कीवर्ड नहीं था वो अभी हट गया है और उसके बदले में अभी जो है टॉप है, प्लेसेस है, टू है, विजिट है, इन इंडिया, सभी कीवर्ड्स इन रिजल्ट्स में है। तो अगर आपको चाहिए कि आपको एग्जैक्टली मैच होना है जो आपका कीवर्ड्स है उस हिसाब से टाइटल, तो आप यूज़ करेंगे ऑल इन टाइटल, और अगर आपको एक दो कीवर्ड्स नहीं हुआ तो भी चलेगा, तो आप सिर्फ इन टाइटल दे सकते। सिमिलरली यहाँ पे इन टाइटल के बदले में आप इन URL भी लिख सकते, ऑल इन URL भी लिख सकते, तो आप यहाँ पे देख सकते टॉप प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया URL में ही है टॉप 10 प्लेसेस to visit in India,
सभी कीवर्ड्स यूआरएल में हैं। नेक्स्ट है, अगर आपको दोनों कीवर्ड्स के रिजल्ट्स ही चाहिए, जैसे बजाज से, बजाज और टीवीएस दोनों के बाइक्स ही, दोनों के रिजल्ट्स ही आपको देखना है, तो आप ऐसे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, बजाज ऑटो का भी आया और टीवीएस मोटर्स का भी आया, तो जो जो रिजल्ट आएंगे दोनों का रिजल्ट से आपको दिखाएंगे। अगर आप कैसे तीन चार और भी है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं सभी होंडा टू व्हीलर्स इंडिया, टीवीएस मोटर्स, ऐसे सभी का आपको दिखाएंगे रिजल्ट्स। नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट एक ट्रिक है, वो है सिनोनिम से सर्च करना। तो हम ऐसे सर्च कर सकते हेल्दी टिल्ट फूड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हेल्दी फूड को लेके आर्टिकल्स आ रहा है आपके सामने, हेल्दी फूड रेसिपीज को लेके आर्टिकल आ रहा है, यहाँ पे आपको फूड रेस्टोरेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन आ रहा है, तो ये सब कुछ आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है, अगर आप किसी वर्ड के मतलब जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं डिफाइन कीवर्ड, डिफाइन कोलोन ऑर्गेनिक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक का जो मीनिंग है वो आ गया, ऑर्गेनिक का ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट करने के ऑप्शन सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, डिफाइन ऑर्गेनिक। तो ये सब ट्रिक्स आप यूज कीजिए आप बेटर सर्च रिजल्ट पाने के लिए। और इसके साथ अगर आपको थोड़ा टाइम पास करने का मन हो, तो आप गूगल सर्च में एक हिडन गेम है वो भी खेल सकते हैं, तो उसके लिए आपको सर्च करना होगा, और यहाँ पे जाके आप इमेज में जाएंगे तो आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं थोड़ा गेम खेलता हूँ, तब तक आप ये सब जो देखे वीडियो में वो सब्सक्राइब कीजिए या कमेंट कीजिए के मैं हार गया। अच्छा, चांस मिला, ये आपके साथ काम कर रहा है कि नहीं। और अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए ज़रूर, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस आने वाले हैं। फिर से गया, अब जाइए, मैं प्रैक्टिस करता हूँ थोड़ा। थैंक यू, बाय बाय।